नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल डायबिटीज एक आम समस्या बनती जा रही है। कई लोगों को शुरू में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण ये बीमारी और ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। डायबिटीज में आपको अपनी दवाइयों के अलावा खान पान पे भी विशेष ध्यान देना होता है। तो आइए इस वीडियो से जानते हैं कि हम अपने खान पान और आयुर्वेद की दवाओं से डायबिटीज पर कैसे जीत पा सकते हैं। डायबिटीज के इलाज में ब्लैक सीड का उपयोग। निगेला सिटेवा, जिसे ब्लैक सीड के नाम से भी जाना जाता है, ये डायबिटीज की दुनिया में एक नई खोज है, जिस पर खुद डॉक्टर्स भी भरोसा करते हैं। आप 7 दिनों तक रोज इसके 6 चम्मच तेल का सेवन कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि इसका सेवन दिन में नियमित समय पर ही करें। शुरुआत में 4 दिनों में इस तेल का सेवन सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच करें, आपको फायदा होगा। साथ ही जितना हो सके पानी का सेवन करें और शुरुआत के 10 दिनों तक नियमित रूप से रोज सुबह इस तेल से पूरे शरीर पर मालिश करें। अगर आपको ब्लैक सीड अवेलेबल नहीं हो पाता है तो एक और उपाय है जिससे आप डायबिटीज पर जीत पा सकते हैं। अंजीर के पत्ते भी लंबे समय से डायबिटीज में लाभकारी मानी जाती है। इनके इस्तेमाल से शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होती है। इनका सेवन रोज सुबह खाली पेट करने से फायदा मिलता है। दूसरा तरीका है, सुबह इसको उबालकर चाय की तरह पिया जाए। ब्लैक सीड और अंजीर के पत्तों के अलावा एक ऐसी भी चीज है जो आसानी से हमारे घरों में उपलब्ध होती है, वो है मेथी। रोज खाने में 5 से 30 ग्राम मेथी का सेवन करें। इसके सेवन के तुरंत बाद किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन ना करें। इसके सेवन के कुछ समय पहले और बाद तक कोई भी मेडिसिन ना लें। ब्लैक सीड, अंजीर और मेथी के अलावा दालचीनी भी डायबिटीज में लाभकारी होती है। रोज आधा चम्मच दालचीनी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी आती है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बताए गए सारे उपाय बड़े बड़े वैद्यों, आयुर्वेदाचार्यों एवं डॉक्टरों की रचनाओं से लिया गया है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।